तो साथियों, हम हाजिर हैं लेकर आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो यूपी स्पेशल से संबंधित है। साथियों, आप उत्तर प्रदेश पुलिस का जितना भी एग्जाम हुआ है उसका इतिहास उठा के देख लेना, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख संस्थाएं और संगठन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। साथियों, इसमें एक एक से इतना ज्यादा फैक्ट होता है, कहीं से भी कोई चार संस्था का नाम उठा के दे देगा, कहेगा कौन मतलब इससे संबंधित नहीं है या ये संस्था कहाँ है, इस संस्था की स्थापना कब हुआ था, ऐसे करके दे देता है और बच्चे फंस जाते हैं। इतना सरल क्वेश्चन होता है साथियों, आपको बता दें ये क्वेश्चन अगर आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दे लोगे इस पर तो आपको तुरंत 2-3 सेकंड में मतलब आपका सॉल्व हो जाता है। बाकी समय जो आपका बचेगा आप मैथ और रीजनिंग में उसका यूटिलाइज करिएगा। तो साथियों, बहुत बेहतरीन है, आपको एक से बढ़कर एक संस्थाओं के बारे में हम बताएंगे और उससे जुड़ी दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिससे आपकी पढ़ने की जो प्रोडक्टिविटी है वो 3-4 गुना तक बढ़ जाए। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का उत्तर नहीं जानेंगे बल्कि उससे दाएं बाएं ऊपर नीचे की भी चीजों के बारे में भी समझेंगे, उससे संबंधित आपके जो है समझ बढ़ जाएगी। तो चले साथियों, हम बिना देरी किए चलते हम लोग पहले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त, ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में और सारे कई एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय क्या है। बहुत जबरदस्त साथियों, आप लोग को मालूम होगा ये संग्रहालय क्या होते हैं। संग्रहालय आप लोग मालूम होगा साथियों, जो कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं या कुछ विशेष घटनाएं होती हैं उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, साक्ष्य होते हैं, प्रमाण होते हैं, वहां रखा जाता है, एक तरह का म्यूजियम होता है आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए। हाँ, ये ऐसे था, जैसे इंदिरा गांधी से जुड़े हुए जो है वहां पर उनके सामान रखे गए हैं, नेहरू जी से, यहाँ इलाहाबाद में एक चंद्रशेखर पार्क है, यहाँ पर चंद्रशेखर से संबंधित जो है रखे गए हैं। तो ये आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए होता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय साथियों, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। वैसे भी आप याद कर लीजिएगा लखनऊ, ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ, विकल्प नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा, यही उत्तर है। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर देखते हैं एक दिया है, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये मेरठ में है और ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई जो मतलब साक्ष्य है और उसके जो मतलब प्रमाण है वो वहां पर रखा गया है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग देखते हैं, देखें ये दूसरा प्रश्न क्या है साथियों। दूसरा प्रश्न ये क्या कह रहा है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग को मालूम होगा ये वीवी गिरी कौन है, ये हमारे राष्ट्रपति थे जो 69 से 74 तक, 1969 से 74 तक ये राष्ट्रपति थे। तो इन्हीं के नाम पर एक श्रम संस्था, राष्ट्रीय श्रम संस्थान बनाया गया है नोएडा में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नोएडा कहाँ है साथियों, यह गौतम बुद्ध नगर का एक बहुत ही फेमस शहर है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। बहुत अच्छा, तो साथियों हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, या तो ऐसे पूछा जाएगा या तो इसका अलग अलग खोल कर पूछेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं, यानी बौद्ध से जुड़ी हुई, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ संग्रहालय कौन है उत्तर प्रदेश में, कितने हैं। तो साथियों आप लोग जान लीजिए, विकल्प नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुल 3 है। कौन कौन साथियों, एक गोरखपुर में है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, गोरखपुर में है, और दूसरा है साथियों कुशीनगर में है, उसी पूर्व गोरखपुर के बगल में है कुशीनगर, तो वो कुशीनगर में है, और तीसरा साथियों है ये सिद्धार्थ नगर में, जो नेपाल से सटा हुआ है, तो सिद्धार्थ नगर में है। तो याद रखिएगा इन तीनों को, राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये तीनों हैं जो है उत्तर प्रदेश में। आगे चले हम लोग देखते हैं चौथे में क्या कह रहे हैं, चौथे में साथियों एक प्रश्न है, कह रहे हैं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित कहाँ है। तो साथियों ये है आपके लखनऊ में, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, ये लखनऊ में, तो ये विकल्प नंबर डी आपके हो जाएगा। तो ये बाल संग्रहालय क्या है साथियों, आप लोग को दिमाग में आया होगा, यानी ये बालकों से जुड़े हुए, यानी बच्चों से जुड़े हुए जो है एक एक ज्ञान विज्ञान और सांस्कृतिक से चीजें हुई चीज मतलब चीज रिलेटेड चीजें उसमें रखी गई हैं,
वो बच्चों को दिखाया जाता है समझने के लिए, जिससे उनको बौद्धिक विकास हो। तो ये जो है लखनऊ में है, मोतीलाल नेहरू। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्हीं के पिताजी हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन सबका जन्म तो इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन ये मोतीलाल नेहरू का जन्म कभी काल आपसे पूछ लेता है तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका इलाहाबाद के बगल में एक प्रतापगढ़ जिला है, तो ये प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था, प्रतापगढ़ में। तो इतना याद रखिएगा, क्योंकि इनका अलग था इसलिए इनका ज्यादा पूछता है। आगे देखें हम लोग, तो साथियों हम लोग देखते हैं ये पांचवा प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। एक देखें क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं दीनदयाल पंडित, जो दीनदयाल हैं उन्हीं के नाम से है ये। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको मालूम होगा पंडित दीनदयाल ये बनारस के साइड के थे, तो यही कहीं ये होगा। तो जो प्रमुख व्यक्तित्व तो होते हैं उनसे रिलेटेड चीजें ज्यादातर उन्हीं के जो है गृह जनपद में ये बनाई जाती है। तो पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? वाराणसी में। विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपको। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं छठवां में क्या कह रहे हैं। छठवां में साथियों आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जितना इंपॉर्टेंट करना हो कर लीजिए। कई सारे पुलिस के एग्जाम में उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये है साथियों आपके लखनऊ में है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कृषि संस्थान। आगे हम लोग देखते हैं, और ये अच्छा हाँ ये सही है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा लखनऊ। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात, यहाँ सात होगा मिसप्रिंट है। तो सातवां में साथियों क्या पूछा जा रहा है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? तो ये है साथियों लखनऊ में। सातवां का हमारा उत्तर जो है वो डी हो जाएगा, ये लखनऊ में है, इसे याद रखिएगा, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान केंद्रीय संस्थान है ये। आगे देखें हम लोग आठवां में, तो देखें आठवां में हमसे क्या पूछ रहे हैं, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आलू अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ है साथियों? आलू अनुसंधान केंद्र साथियों ये मेरठ में है, विकल्प नंबर आपका ये सी हो जाएगा, यहाँ बी होना चाहिए था, यहाँ सी, तो ये सी है, मेरठ में है, याद रखिएगा। और ये दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, ये बता देना। और आगे देखते हैं हम लोग नौवां में, तो नौवां में साथियों क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कह रहे हैं भारतीय चमड़ा रंगाई, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ स्थित है? तो चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान साथियों यह कानपुर में है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आप ऐसे याद रखिए, हमारे कान में हड्डी नहीं है सिर्फ चमड़ी है, तो कान चमड़ी, तो इससे रिलेटेड आप याद रखे रहिएगा तो आपके दिमाग में चीजें लंबे समय तक बने रहेगी। तो चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर में है। आगे देखें हम लोग दसवां में, दसवां में साथियों क्या कह रहे हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान, अभी मैंने बताया था साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? कानपुर में है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, ये बी में हो गया। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, और कृषि अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ बता देना। आगे हम लोग देखते हैं ग्यारहवें में, ग्यारहवें में हमसे क्या पूछ रहे हैं, केंद्रीय उपोषण संस्थान, उपोषण का मतलब होता है साथियों जैसे ठंड, तो केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उपोषण संस्थान जो है साथियों यह लखनऊ में है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यहाँ बी होना चाहिए था, यहाँ सी मिसप्रिंट हो गई है, तो लखनऊ में है, याद रखिएगा इसे। आगे देखते हैं हम लोग, और चारागाह अनुसंधान संस्थान पूछे तो झांसी बता देना। आगे देखें 12 में हम देखें क्या पूछ रहे हैं 12वें में, कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? 12वां वाला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ये यूपी पुलिस के दो एग्जाम में दो तीन बार ये पूछा जा चुका है। तो साथियों ये मथुरा में है, विकल्प नंबर बी ए हो जाएगा हमारा, मथुरा में, बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। आगे देखें हम लोग 13 वाले में क्या पूछ रहे हैं,
उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है ये बताना है। तो साथियों यह नोएडा में है। नोएडा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, ये बी में, यहाँ सी होना चाहिए था साथियों, हर जगह गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। तो ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, तो ये नोएडा में है। आगे देखते हैं हम लोग 14 में। 14वां में क्या पूछ रहे हैं साथियों? एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, तो नॉलेज पार्क की स्थापना, साथियों हमें नॉलेज जो है ग्रेट रखना चाहिए, ये इतना तो याद होगा, तो ये हो जाएगा याद। एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो ऐसे इसको जोड़ लीजिएगा, हमारे अंदर नॉलेज जो है, नॉलेज से आदमी ग्रेट बनता है, तो ये ग्रेटर नोएडा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। आगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये चारों विकल्पों में से तीन पेयर सही है, एक गलत है, उसी गलत वाले को आपको पकड़ना है। यहां जरूर ध्यान देना, यहां जो लिखा है नहीं, ये नहीं वाले पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा। तो कह रहा है आपसे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों जो यहाँ पर दिया है एग्रो पार्क, एग्रो पार्क तो लखनऊ में है, ये सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है, जो गलत होगा हमें उसे बताना है। और यहाँ पर एक प्लास्टिक सिटी दिया है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, ये भी सही है। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है, ये भी सही है, लेकिन साथियों गलत यहां पर है ये बी वाले में, बी यही आपका उत्तर होगा। जो अप्रैल पार्क है साथियों, ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। कहाँ है ये? गाजियाबाद में, इसे याद रखिएगा, गाजियाबाद में कहाँ है ये अप्रैल पार्क? गाजियाबाद में। आगे देखते हैं हम लोग 16 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर यहां पर ध्यान दिया, ऐसी चीजें जहां पर आए उसे तुरंत मार्किंग किया कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। अभी अभी हमने पढ़ा साथियों, ये लेदर पार्क जो है ये उन्नाव में है, ये तो सही ही होगा, लेकिन हमें गलत बताना है। प्लास्टिक सिटी अभी मैंने पढ़ा, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। और ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क अभी मैंने पढ़ा, ये भी ये लखनऊ में है। अभी टोनिका सिटी ये हमने पढ़ा था, वही वाला जस्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मिर्च डाला है इसमें। वो जो टोनिका सिटी है ये कहाँ है? ये मैंने अभी बताया था ना, गाजियाबाद में है, नोएडा में नहीं है। जो अप्रैल पार्क है इसी टोनिका सिटी से संबंधित है, ट्रोनिका, तो ये कहाँ है? ये गाजियाबाद में है, इसको याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं, तो बी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 17 में, देखें ये भी एग्जाम उत्तर प्रदेश के कई सारे एग्जाम में, आरओ वगैरह में भी पूछ चुका है ये 17 वाला। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ है? तो साथियों स्कूल का जो पेपर होता है, हम लोग कॉपी किताब होते हैं उसको हम लोग सहलाते हैं बड़े आराम से, ऐसे मतलब आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, को फट ना जाए, बड़े आराम से उसको हम सहला कर खोलते हैं। तो सहलाना, पेपर को हम लोग सहलाते हैं, सहलाने से आप ये जोड़ लीजिएगा, सहारनपुर, विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका, ये सहारनपुर में है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, क्या इसमें पूछ रहे हैं हमसे? कह रहे हैं हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है उसको बताइए। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो साथियों, सिंपल सी बात, जो बच्चे प्रयागराज में रहते होंगे जानते होंगे, ये प्रयागराज में है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, प्रयागराज में है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या कह रहे हैं 19वें में, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ये बनी है, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के नाम से, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड यानी विकलांगों के लिए एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट बना है अंबेडकर जी के नाम से, कानपुर में बना है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, ये है विकल्प नंबर सी, कानपुर में। आगे चले हम लोग देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं 20वें में, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ग्लास, यहाँ देखिए ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों यह खुर्जा में है,
विकल्प नंबर डी, कुछ लोग सोच रहे हैं खुर्जा कहाँ है, तो ये बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं। अगर ये केवल जो कांच नगरी अगर पूछे तो फिरोजा बता देना आप, फिरोजाबाद। आगे चलते हैं, 21 में क्या है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बताया था एक बार, जब चारागाह से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान पूछे आपसे, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, तो आप झांसी बता देना, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। आगे चलें, देखें 22 में, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, काउंसिल का मतलब परिषद होता है, ये कहाँ अवस्थित है साथियों, ये अवस्थित है आपका शाहजहांपुर में, विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर, 22 में का डी हो गया। बहुत अच्छा, और इसका एक याद रख लीजिए कैसे, जैसे आपके जो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, तो सुरेश खन्ना गन्ना, सुरेश खन्ना यही आपके शाहजहांपुर से हैं, तो शाहजहांपुर से कौन है, खन्ना है, तो खन्ना से रिलेटेड गन्ना। तो ऐसे आप ये सब चीजें अगर थोड़ा सा दाएं बाएं जोड़ जाड़ के पढ़ लोगे ना, तो लंबे समय तक याद रहेगा आपके दिमाग में। तो आगे देखें हम लोग, 23 में, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहाँ है, यानी भारतीय वनस्पति के लिए जो शोध संस्थान स्थित है, केंद्रीय संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में है अपने, विकल्प नंबर डी है। आगे देखें हम लोग, 24 में, ये देखिए साथियों, मैंगो के लिए आपको मतलब मालूम होगा, लखनऊ में दशहरी, लखनऊ दशहरी आम लखनऊ के लिए फेमस है, मलिहाबाद, और ये जो लंगड़ा आम है बनारस और उसके आसपास जौनपुर वगैरह में फेमस है, तो ऐसे भी कभी सवाल पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो पूछा है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा, तो लखनऊ में बनाया गया होगा, विकल्प नंबर ए लखनऊ में। आगे देखते हैं हम लोग, अगर आपसे कभी दशहरी आम से रिलेटेड पूछ ले तो आप लखनऊ बताना, और लंगड़ा आम से संबंधित पूछ ले तो वाराणसी, या वाराणसी न रहे जौनपुर वगैरह है तो उसको भी लगा देना, ये सब पूछा जाता है। 25वां में क्या है, 25वां में साथी हमसे पूछ रहे हैं क्या है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो अभी मैंने बताया था साथियों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ है, लखनऊ में है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, ऐसे आपको कई सारे मिल जाएंगे, अभी जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर अभी बताया था, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद बता दिया कहाँ, ये लखनऊ में है, तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा मार्ग, दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे तो कानपुर बता देना, अट्रोनिका सिटी ये सब पूछे तो बता देना, या अप्रैल पार्क पूछ ले ये कहाँ है, तो गाजियाबाद। तो ऐसे जो चीजें रहती है ना दिमाग में रखा करिए, हम जो चीजें बहुत नॉर्मल होते हैं तो उसको हम ज्यादा समय नहीं देते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें होते हैं उस पर समय दिया करते हैं। तो 26वां में क्या है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। तो आपको मालूम है ये उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की संस्था और संगठन पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ पर है साथियों, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, तो ये वाराणसी में बनाया गया है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, 27 में, 27 में क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है साथियों, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये बरेली में है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, 27 का ए बरेली में। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है हमसे साथियों, कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज किसके नाम से है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है, तो ये साथियों मालूम है सिखों के 10वें गुरु हैं ये गुरु गोविंद सिंह, तो इनके नाम से स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया गया है साथियों लखनऊ में, विकल्प नंबर बी हमारा हो जाएगा लखनऊ में। और आगे क्या कर रहा है हमारा, तो यहाँ पर एक और मैं, हाँ यहाँ पर एक सैफई दिया है नाम ना, तो सैफई में कंफ्यूज मत होना, जब मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स पुरुष स्पोर्ट्स संस्थान पूछे तो सैफई बताना, लेकिन यहाँ पर जब गुरु गोविंद सिंह के नाम से पूछे तो लखनऊ बता दीजिएगा आप। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है साथियों, कह रहा है निम्नलिखित किस समिति ने,
किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ऐसी कौन सी समिति है जो 3 स्तरों वाला पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? हम लोग को मालूम है, अगर गांव में होंगे तो जो पंचायती प्रणाली अपने यहाँ 3 स्तर वाला है, एक ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर, तीसरा जिले स्तर पर। तो ये जो 3 स्तर वाला ये पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, ये बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, और अशोक मेहता ने तो ये जो किया था वो 2 स्तर वाला किया था। आगे चले हम लोग, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नीचे कुछ बॉडीज हैं, उन बॉडीज को पढ़कर आप बताइए किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जिसको सीधा जनता चुनती है, डायरेक्ट निर्वाचन की बात कर रहा है। तो जिसको सीधा जनता चुनती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे सांसद विधायक ना अपना जो होते हैं, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्ट प्रधान, आप गांव के होंगे तो आपको मालूम है, आप लोग प्रधान को डायरेक्ट चुनते हैं, जनता चुनती है, क्षेत्र प्रमुख को जनता नहीं चुनती है, ये जनता के ही प्रतिनिधि जो जो ब्लॉक सदस्य होते हैं आपके वो होते हैं, तो उनको चुना। जिला पंचायत अध्यक्ष भी डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, यानी जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, वही सब वोट देते हैं, तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, और एक सरपंच डायरेक्ट चुना जाता है, पंच डायरेक्ट चुना जाता है। तो 1, 4, 5, ये विकल्प नंबर जो सी है यही आपका सही है। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग क्या है 30 वाले में, क्या हमारा और सही है। ये वाले 30 तो हो गया, ये 31 देखते हैं। तो 31 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो आप लोग को मालूम है उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, जिस जो बड़े शहर है वहां पर ज्यादातर नगर, जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद, जो प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, कानपुर, लखनऊ, ये सब ऐसे जो बड़े शहर है यहाँ पर नगर निगम होता है, तो जो 10 लाख के ऊपर जनसंख्या होती है। तो साथियों यहाँ पर कहाँ पर नहीं है नगर निगम, आप लोग बताइए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग को आ जाएगा नगर निगम कहाँ पर नहीं है। तो आजमगढ़ में नहीं है, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, जो बड़े बड़े शहर है वहां पर है, तो 17 नगर निगम है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी ये कहाँ स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी यह लखनऊ में स्थित है, तो आपका विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, लखनऊ में। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग, देखें 33 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं है साथियों, एक संस्था है, दूसरा उसके सामने वो जिले का नाम दिया गया है। तो थीम पार्क जो है साथियों यह आगरा में है, ये सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है, कह रहे हैं कि कौन सा गलत है, उसको गलत को बताना है। मेगा फूड पार्क ये बरेली में है, ये भी सही है, और यस इसमें दिया है टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में है, ये भी सही है। अब ये तीनों जब सही है साथियों शुरू के तीन, तो स्वाभाविक सी बात है यही वाला गलत होगा। तो गलत है, क्यों गलत है, ये जो डिफेंस पार्क है यह देवरिया में नहीं है, यह डिफेंस पार्क साथियों यह देवरिया में नहीं है, यह शाहजहांपुर में है। कहाँ है, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर वही जहां पर गन्ना अनुसंधान केंद्र है। आगे देखते हैं हम लोग, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी साथियों, एक महिला सुरक्षा से एक बहुत बेहतरीन योजना थी जो सपा सरकार में शुरू हुई थी, जब सपा समाजवादी पार्टी के जब सरकार बनी थी सन 2012 में, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके कुछ ही महीने बाद इस जो है हेल्पलाइन नंबर एक तरह से 1090 है, ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। तो ये 15 नवंबर 2012 को शुरू की गई थी, तो विकल्प नंबर इसमें बी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 35 में क्या है। 35 में साथियों कह रहा है सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ, इसी से भारत सरकार का जो है एक राष्ट्रीय जो है चिन्ह लिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। तो ये कहां पर है,
तो ये साथियों ये किस संग्रहालय में पूछ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है सारनाथ में, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह सारनाथ में यानी अशोक का जो आप लोग देखे होंगे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो शेर वाला है, तो वह अशोक के स्तंभ से लिया गया है। और ये अशोक स्तंभ सिंह वाला कहाँ है, ये सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है, बनारस में है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका। तो इसी सारनाथ संग्रहालय में है अशोक स्तंभ। आगे हम लोग देखते हैं 37-36 में, 36 वाला प्रश्न में साथियों कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो लखनऊ में है साथियों, विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, लखनऊ में है। और कानपुर में तो जानते हैं बहुत, एक बहुत सारी संस्थाओं को मैंने आपको नाम बता दिया, एक जो अंबेडकर जी के नाम से टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है हैंडीकेप्ट यानी विकलांगों के लिए, और यहाँ नोएडा में भी मैंने बता दिया था, ये एक तरह का मतलब सॉफ्टवेयर के मामले में है, और गाजियाबाद तो आप लोग जानते ही हैं यहाँ पर। तो सभी संस्थाओं के बारे में लगभग मैं बता दिया हूँ, हर क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन करें, लेकिन फिलहाल ये 36 का जो है आपका उत्तर डी हो जाएगा। आगे देखे हम लोग 37 में, इसका देखो साथियों मैं आपको जिक्र किया था एक बार, जब आपको जब सिख के 10वें गुरु के नाम से, गुरु गोविंद सिंह के नाम से जो स्पोर्ट्स कॉलेज है, तो वो जब आया था तो मैं इसका जिक्र किया था। तो यहाँ पर जो है ये मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, तो इटावा में है, इटावा के सैफई में है, जो सन 2014-15 के बीच बनाया गया था ये, तो सैफई में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज। बहुत अच्छा, तो साथियों हम लोगों ने यहाँ 37 क्वेश्चन थे जो विभिन्न संस्थाओं से संबंधित थे। संस्थाएं तो साथियों हजारों की संख्या में हो सकती है, लेकिन इस 37 क्वेश्चन में हमने उन्हीं प्रश्न को रखा है जो यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक थी, जिनका जानना आपको बहुत जरूरी था, तो इसी का हमने जिक्र किया। अगले हम टॉपिक में फिर से एक लेकर आएंगे संस्थाओं से संबंधित, जो सारी की सारी संस्थाओं को एक कंपाइल्ड वीडियो होगा। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।